कोविड का जब समय था तभी जो है कि एक बेटे अपने माँ को नहीं देखते थे, अपने माँ को नहीं उठाना चाहते थे, छूना नहीं चाहते थे। उस पीरियड में हमने क्या किया, जो आपके परमानेंट बहाली थे हॉस्पिटल में, वह कोरोना से हाथ जोड़ लिए कि मैं कोविड में काम नहीं कर सकता हूँ, और हमने आपको उस वक्त साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चला। डीएम हमको तिलक लगा के भेजते थे कि आप जो है कि आपका भविष्य ब्राइट होगा, यही हमारा भविष्य ब्राइट है। राजद की सरकार थी उस समय, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, और उनके ऊपर विजय सिन्हा ने तंज कसा था कि इन्होंने युवाओं के साथ अच्छा नहीं किया, और ये प्रशिक्षित हैं, इनको रोजगार देना चाहिए, इनको नियमित कर देना चाहिए। और आज जब इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इन्हें इनके देखरेख में 30 जून को हम लोगों को बाय बाय कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे। देखिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो है फिर से एक बार धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया था, क्यों किया था, आज इनसे हम जानेंगे कि आज जो है फिर से धरना प्रदर्शन क्या कारण हुई, क्या दुख। देखिए हम लोगों को बार बार सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित ऐसा किया जा रहा है कि रोड पे लाके खड़ा कर दिया जा रहा है, चाहे वो ठंड का समय हो या फिर बारिश का समय हो, किसी भी समय हो सरकार, चाहे कोरोना हो। कोरोना ने तो हम लोग जंग जीता है, लेकिन पता नहीं सरकार लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, बार बार जंग छिड़वाने पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें 60 साल का सेवा अवधि विस्तार कीजिए, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप ये बच्चे वाला खेल खेलना बंद कीजिए, 3-3 महीना का रिचार्ज बंद कीजिए और फुल टॉक टाइम का व्यवस्था कीजिए। हमें जब हम लोग सभी चीज़ों में काम किए तो हमें एक उचित स्थान देने का कृपा करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे, हम लोग आत्मदाह करेंगे, यहीं पर मर जाएंगे, ऐसे भी कुछ नहीं बचा हुआ है हम लोग के लिए। जी बिल्कुल, महागठबंधन के सरकार में भी सभी लोगों से मिले, लेकिन कोई भी उचित न्याय हम लोग को नहीं मिला, जिसके कारण इसी एक तारीख को हम लोग को 60 साल के लिए कर्ज का मांग। सरकार नहीं देगी तो आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सरकार ने हमें रोड पे लाके खड़ा ही कर दिया, तो ऐसे आत्महत्या करेंगे। ऐसे भी कोविड में गए थे मरने के लिए, ऐसे भी तो कोविड में आदमी जब हम लोग रोड पर आ गए थे तो आदमी सारा अंदर था, तो ऐसे भी आत्महत्या करेंगे, पेट्रोल छिटेंगे सामने, एकदम आग लगेंगे यहाँ पे सरकार के सामने, मंगल पांडे के आवास पे आग लगेंगे, मंगल पांडे के आवास पे जाकर आग लगेंगे जिंदा। ऐसे भी वही सरकार थी, अब हमारी सरकार मान के चलिए, एक कोविड का जब समय था तभी जो है कि एक बेटे अपने माँ को नहीं देखते थे, अपने माँ को नहीं उठाना चाहते थे, छूना नहीं चाहते थे। उस पीरियड में हमने क्या किया, जो आपके परमानेंट बहाली थे हॉस्पिटल में, वह कोरोना से हाथ जोड़ लिए कि मैं कोविड में काम नहीं कर सकता हूँ, और हमने आपको उस वक्त साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चला। डीएम हमको तिलक लगा के भेजते थे कि आप जो है कि आपका भविष्य ब्राइट होगा, यही हमारा भविष्य ब्राइट है। आज रोड पे ला के छोड़ दिए हैं, 4.5 साल काम करवाया है आपने हमें, और बिल्कुल 12,000 की न्यूनतम सैलरी पर, एक मजदूर की सैलरी नहीं है इतना। और आप क्या कह रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि जो कोरोना में 100 दिन काम कर लिए उसकी नौकरी पक्की समझी जाएगी, क्या यही नौकरी पक्की है? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। हम खुद अपने घर से जब ड्यूटी ज्वाइन किया था मैंने, तो हमको घर से निकाल दिया था कि कोविड में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको घर नहीं आने दिया जाएगा। मैंने फिर भी सरकार का साथ दिया और कोविड से लड़ा कि हमारी भविष्य एक दिन उज्जवल होगी, यही हमारी भविष्य है। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ, अगर हम कोविड से लड़ सकते हैं तो हम सरकार के साथ भी लड़ सकते हैं, और आत्मदाह कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग जिला से है, क्या लगता है कि जिस तरह से जो बिहार में जो सरकार चल रही है, किस तरह से लगता है कि आप लोग की सरकारी करेगी या फिर ऐसी? बिहार में जो भी सरकार बनी है अभी तक, चाहे वो राजद की सरकार हो या बीजेपी और जदयू की सरकार हो, सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है। हम जैसे बेरोजगार युवाओं के साथ ये तमाम सरकारें हमारे साथ गंभीर मजाक करती है, और ऐसा लगता है कि ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। बताइए, जिसका प्रधानमंत्री बोलता हो कि आप जो 100 दिन अगर कोरोना में अगर योगदान दे दिए हैं तो आपकी नौकरी पक्की, जो विपक्ष में थे आज सत्ता का
लोभ लालच उनके पास आ गया है। यही विजय कुमार सिन्हा जी हैं, इनके सामने हम लोग जब गए थे गुहार लेकर तो इन्होंने कहा था कि ये सब प्रशिक्षित हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, इनको ये रोजगार नहीं दे रहे। राजद की सरकार थी उस समय, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे और उनके ऊपर विजय सिन्हा ने तंज कसा था कि इन्होंने युवाओं के साथ अच्छा नहीं किया और ये प्रशिक्षित हैं, इनको रोजगार देना चाहिए, इनको नियमित कर देना चाहिए। और आज जब इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इनके देखरेख में 30 जून को हम लोगों को बाय बाय कर दिया गया, बेरोजगार का एक प्रमाण पत्र देकर हमें रोड पर छोड़ दिया गया। ये सरकार होश में आवे, अगर हम कोरोना को हरा सकते हैं तो इस सरकार को भी धज्जी धज्जी उड़ा सकते हैं। अगर ये हमारी जायज मांगों को नहीं मानते हैं, जो व्यक्ति 4 साल काम कर लिया हो, जो व्यक्ति 4 साल से बगैर छुट्टी के न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप सड़क पर भेज सकते हैं तो आपके पास भी कोई शक्ति नहीं है। आप हमारी शक्ति से मलाई खाते हो, होश में आ जाओ। अगर मैं रोड पर आया तो चाहे जो भी हो, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को घेरेंगे और उनसे अपने मेहनत की इनाम पाएंगे। जो फूल बरसाए हैं आज महलों में छुप गए हैं। अरे नेताओं, जो है लेफ्ट कृष्ण ने काफी आक्रोश है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो है हम लोग की अगर बात नहीं सुनी जाती है तो यहां से पूरी तरह से हम लोग जो है बिहार सरकार के और स्वास्थ्य मंत्री को दोनों कहीं सीधे रोड पर लाने की काम करेंगे। तो अभी तक के फिर इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।